और इस वक्त हमारे पास आ रही है बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर नए मंत्रियों की बैठक इस वक्त हो रही है। ये बैठक जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त शुरू हो चुकी है। अनौपचारिक मुलाकात ये है, नए मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनका ये संवाद है। हालांकि आज का दिन बहुत अहम इसलिए क्योंकि कल के शपथ ग्रहण के बाद आज पहला वर्किंग डे है तमाम मिनिस्टर्स के लिए, तो सुबह सुबह अपने दफ्तर पहुंचकर प्रभार संभालना भी कुछ मंत्रियों ने शुरू कर दिया और आज दिन भर बैठकों का ये दौर चलेगा। शाम 5 बजे भी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। एक बड़ा संदेश कल के कैबिनेट एक्सपेंशन के साथ दिया गया है। सरकार की छवि चमकाने से लेकर परफॉर्मेंस पर प्रमोशन मिलने से लेकर जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा उन्हें उनका पत्ता कटने से लेकर कई बड़े संदेश कल के कैबिनेट एक्सपेंशन से निकले हैं। और इस बीच आज के दिन भी देखिए लगातार हलचल तेज है, एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ नए मंत्रियों की ये अहम मुलाकात हो रही है और फिर शाम 5 बजे और 7 बजे भी कैबिनेट की मीटिंग्स प्लान है। कल के कैबिनेट एक्सपेंशन के जरिए कई तरह के समीकरणों को साधने की कोशिश हुई है। आगामी चुनावों पर तो नजर थी ही, लेकिन उसके साथ ही कोरोना संक्रमण से लेकर जिस तरह से अपने दूसरे कार्यकाल में जिन चुनौतियों से सरकार जूझी है, जिन क्रिटिसिज्म का सामना किया है, उसके तहत कुछ मंत्रियों की कई बड़े नामों की छुट्टी की गई है। चाहे रविशंकर प्रसाद का नाम हो, प्रकाश जावड़ेकर का नाम हो, बंगाल से बाबुल सुप्रियो, देवश्री चौधरी, लिहाजा बड़े फैसले यहां पर कल के कैबिनेट एक्सपेंशन के जरिए दिए गए और बड़े मैसेज देने की भी कोशिश हुई। युवा चेहरों को शामिल किया गया, 36 नए चेहरे हैं जिन्हें मंत्रालयों में जिम्मेदारी दी गई है। और अब आज की ये एक अहम बैठक जो इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर ये अहम बैठक